नमस्कार, मैं अनूप आकाश वर्मा सिंधु बॉर्डर से। और सिंधु बॉर्डर पर तीन कृषि कानूनों को लेकर किसान बीते एक महीने से अधिक का समय हो गया है प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस आंदोलन में अलग अलग तरीके की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, एक किसान और किसान जंजीरों में क्यों जकड़ा हुआ, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और किसान का ये जंजीरों में क्यों जकड़ा हुआ है किसान? मैं काबल सिंह, गांव रुकनपुरा खुई खड़ा, अबोर, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका। हम आज़ाद मुल्क में रह के भी आज़ादी महसूस नहीं कर रहे। अगर हम आज़ाद होते तो ये जो दृश्य देखने को किसानों का मिल रहा है, ये ऐसा मंजर ना होता। हम मोदी सरकार को ये प्रार्थना करते हैं कि जो काले कानून किसानों के ऊपर ठोके गए हैं, उनको जल्दी से जल्दी वापस लें, पूरी तरह रद्द करें, ताकि किसान अपने अपने घर पे बच्चों के पास जाएं। बिल्कुल, लेकिन अगर लेकिन चूंकि अलग अलग तरीके के प्रदर्शन होते हैं, आपने अपने आप को जंजीरों में क्यों जकड़ा, ये ख्याल आपके दिमाग में कहाँ से आया? हम सारे किसान ऐसे अंदर से महसूस करते हैं कि हम जंजीरों में जकड़े हुए हैं, सरकार ने जकड़ दिया हमें, हम पूरी तरह कैदी बन के रह गए हैं सरकार के। हम कोई भी, हमारा जो कोई पंजाब का कोई जवान बॉर्डर पर शहीद हो जाता है तो उनको तो स्टार बना देते हैं। अगर वही किसान का उसका ही बाप या बेटा या आंदोलन में आके अपने हक मांगता है तो उसको अतिवादी बना देते हैं, ये क्यों? ये ऐसा होना नहीं चाहिए। यहाँ पे सारे किसान हैं, किसान के बच्चे हैं, बेटियाँ हैं, बुजुर्ग हैं, भाई हैं, बहनें, सब किसान हैं, पढ़े लिखे। एक सवाल और है, चूंकि ये ठीक है कि तीन कृषि कानूनों को लेकर किसान आज प्रदर्शन कर रहे हैं, सिंधु बॉर्डर पर भी, गाजीपुर में, कई जगह ये प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन इससे पहले भी किसान समस्याओं से परेशान रहे हैं। तमाम आंदोलन हुए, चाहे वो 88 का टिकैत का आंदोलन हो या उसके बाद भी कई आंदोलन हुए, लग रहा है कि इस कानून के बनने के बाद समस्याएं ज़्यादा बढ़ी या पहले से ही किसान परेशान है, उसकी भी डिमांड अब हो रही कि उनकी भी सॉल्यूशन हो? किसान तो पहले से ही परेशान है, लेकिन अब किसान जाग चुका है, अब सब किसान जाग चुका है, पूरी तरह जाग चुका है। पहले हम 70 साल से या 65 साल से हम सहते आए हैं और आज तक सह रहे हैं, लेकिन अब हम जाग चुके हैं। अब हम जब इन मोदी सरकार को अभी भी कहते हैं पूरी तरह इस कानून को रद्द कर दो, इसको फाड़ दो, नहीं तो हम जाने वाले नहीं हैं। हमारी पंजाब से, हरियाणा से, पूरे भारतवर्ष से सभी किसान आ रहे हैं। अगर 10 ट्रॉली जाती है तो 50 ट्रॉली आती है। हम मोदी सरकार को ये बेनती करते हैं, अभी भी अपने जो काले कानून किसानों के ऊपर लगाए गए उनको पूरी तरह रद्द करो, और अगर ना करें फिर भी ना माने तो ये तो अभी तक तो ये आंदोलन है, तो ये महा आंदोलन बन जाएगा। अभी भी रिक्वेस्ट करते हैं मोदी सरकार को, इन काले कानूनों को वापस ले लो। तो ये आंदोलन का एक स्वरूप आप देख रहे हैं, हथकड़ी में जकड़ा हुआ एक किसान, और इनका ये कहना है कि ये हम अंदर से दरअसल ऐसा महसूस करते हैं, और अंदर से जैसा महसूस करते हैं वैसा ही इस वक्त बाहर से भी दिखाई दे रहे हैं। और सिंधु बॉर्डर पर जिस तरीके से अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं, उसी में एक रंग ये है, हथकड़ी से जकड़ा हुआ एक किसान। अनूप आकाश वर्मा, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।